वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम बात करेंगे उस रियल स्टोरी की जिस पर अजय देवगन स्टार मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, सन होता है 1971 का। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर चल रही थी एंड इसी वॉर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से 8 दिसंबर की रात को भुज के इंडियन एयरबेस पर हवाई बॉम्बिंग की जाती है। अब इस बॉम्बिंग के कारण जो इंडियन एयरबेस की हवाई पट्टी होती है वो पूरी तरह तबाह हो जाती है, जिसकी वजह से वायुसेना के जो लड़ाकू विमान होते हैं वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहे होते। तो इस हवाई पट्टी का बनना बहुत जरूरी था एंड समय निकलता ही जा रहा था। तो उस वक्त के एयरपोर्ट के जो इंचार्ज होते हैं विंग कमांडर विजय कार्निक, आसपास के गांव में जाकर गांव के लोगों को इनकरेज करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। एंड ग्लैडली गांव से 300 महिलाएं, या मैं कहूं 300 बहादुर महिलाएं आगे आती है वायुसेना की हेल्प करने के लिए। एंड ये सारी महिलाएं घर से निकल जाती हैं सिर्फ और सिर्फ सच्ची देशभक्ति लेकर। तो अब जो ये हवाई पट्टी होती है उसे रीबिल्ड करने का काम शुरू हो उससे पहले विजय कार्निक सभी महिलाओं को ये समझा देते हैं अगर पाकिस्तानी बॉम्बर्स उस इलाके में दिखाई देंगे तो एक सायरन बजाया जाएगा जिसको सुनकर आप लोग काम छोड़कर आसपास की झाड़ियों में छुप जाएंगे। एंड जब पाकिस्तानी बॉम्बर्स चले जाएंगे एक शॉर्ट सायरन दोबारा बजाया जाएगा जिसको सुनकर आप लोग अपना ये काम कंटिन्यू करेंगे। एंड एक बात सुनकर जो आप लोगों को हैरानी होगी गाइस कि ये सभी महिलाएं पहले दिन भूखी सोई थी क्योंकि देयर वॉज नथिंग टू ईट। तो आप समझ सकते हो कितने मुश्किल समय में इन महिलाओं ने देश की सेवा की है और देश के लिए काम किया है। फॉर्चुनेटली दूसरे दिन एक लोकल टेम्पल की तरफ से इन सभी महिलाओं को फ्रूट्स एंड स्वीट्स ऑफर किए जाते हैं जिसने इन सभी महिलाओं को हिम्मत दी होगी तीसरे दिन काम करने की। और गाइस, पाकिस्तानी बॉम्बर्स की तरफ से हो रहे कंटिन्यू हवाई हमलों के बीच ये 300 महिलाओं ने चुपचाप इंडियन एयरबेस की हवाई पट्टी को रीबिल्ड कर दिया था सिर्फ 72 घंटों के अंदर। एक इंटरव्यू में विजय कार्निक कहते हैं कि उस वक्त वो सभी जंग लड़ रहे थे एंड अगर उसमें एक भी महिला मारी जाती तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता। एंड कुछ साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन महिलाओं की बहादुरी को डेडिकेट करते हुए एक वॉर मेमोरियल बनवाया था जिसका नाम वरंगना स्मारक रखा गया था। एंड अब इन सभी महिलाओं की बहादुरी और शौर्य पे बनने जा रही है ये मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो एंड इन महिलाओं के जज्बे ने उस मुश्किल वक्त में देश प्रेम की जो अनोखी मिसाल पेश की है उसको देश कभी नहीं भूलेगा एंड हमेशा याद रखेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।